क्या आप स्ट्रीट स्टाइल अरेबियन शावरमा को याद कर रहे हैं? आज देखते हैं कि घर पर एकदम आसानी से चिकन शावरमा कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 900 ग्राम चिकन थाई या ब्रेस्ट, उसे पतला काट लीजिए, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, लहसुन पेस्ट, पैप्रिका पाउडर, दालचीनी पाउडर, नींबू का रस, ऑलिव ऑयल, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हंग कर्ड या टंगा हुआ दही। मैरिनेशन के लिए सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं और कम से कम एक घंटे के लिए रख दें। आप इसे रात भर भी रख सकते हैं। एक प्याज दो टुकड़ों में काट लीजिए। प्याज का एक हिस्सा स्क्यूअर पर लगा लीजिए। अब मैरिनेटेड चिकन को एक के ऊपर एक कसकर लगा लीजिए और ऊपर से प्याज का दूसरा हिस्सा लगाकर दबा दीजिए। अब इसे ओवन में रखें और इसे 30 से 45 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर पकने दें या जब तक ये पककर खाने के लिए तैयार न हो जाए। इसे ज़्यादा मत पकाएं, नहीं तो चिकन सूख जाएगा। अब चिकन पक चुका है तो हमें ग्रिल्ड पोर्शन को चारों ओर से पतले हिस्सों में काटना होगा। आमतौर पर शावरमा को धीमी आंच पे लगातार ग्रिल किया जाता है, इसीलिए यदि आप चाहते हैं तो ऊपरी हिस्सा काट लेने के बाद फिर से ग्रिल कर सकते हैं। शावरमा सैंडविच बनाने के लिए आपको पीता ब्रेड, सलाद पत्ते, फ्रेंच फ्राइज, नींबू का रस और लहसुन सॉस की आवश्यकता होगी। ऑथेंटिक स्वाद के लिए लहसुन सॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो लहसुन मेयोनीज का उपयोग कर सकते हैं। अभी पीता ब्रेड में सभी चीजों को इकट्ठा करें और इसे शावरमा सैंडविच रोल में रोल करें। रोल को बटर पेपर में लपेटें। आपको अगर तीखा पसंद है तो मैरिनेशन में थोड़ा मिर्च पाउडर ज्यादा मात्रा में मिला लीजिए। बस घर में आसान तरीके से बनाया हुआ शावरमा तैयार। अरेबियन स्टाइल पिता ब्रेड और गार्लिक सॉस की रेसिपी हमारे चैनल पे जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।